ललिता पवार जी का जन्म 18 अप्रैल 1916 को एक संपन्न रेशम व्यवसायी परिवार में हुआ था। जन्म के समय उनका नाम अम्बा लक्ष्मण राव था, जिसे बाद में बदलकर ललिता कर दिया गया। ललिता जी को एक्टिंग का शौक था और उन्होंने महज 9 साल की उम्र में अभिनय करना शुरू कर दिया था और उनकी पहली फिल्म निर्देशक वाईडी सरोपदार की राजा हरिश्चंद्र थी। इतनी कम उम्र में शुरुआत करने के बाद उन्होंने 1988 तक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम किया। ललिता पवार जी का करियर काफी अच्छा चल रहा था और वह पॉपुलैरिटी हासिल भी कर रही थी, लेकिन सेट पर हुए एक हादसे ने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी थी। ये साल 1942 की बात है, जब उनके फिल्म जंगे आजादी की शूटिंग के दौरान एक सीन के लिए उनके को एक्टर भगवान दादा को उन्हें थप्पड़ मारना था और उन्होंने ललिता जी को इतनी जोर से थप्पड़ मार दिया था कि उनके कान से खून बहने लगा था और उनकी आंख के पास की नस फट गई थी। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन गलत इलाज के कारण उनका मामला बिगड़ गया और उनके शरीर का दाहिना हिस्सा कुछ सालों के लिए लकवाग्रस्त हो गया। वह लगभग 3 वर्षों तक इलाज कराती रही थी। इस वजह से उनके करियर पर काफी बुरा असर पड़ा था। वह आगे बताती हैं कि जंगे आजादी की शूटिंग के दौरान एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना के कारण एक लीड एक्ट्रेस के रूप में उनका करियर अचानक खत्म हो गया था। सीन के मुताबिक मास्टर भगवान दादा को उनके चेहरे पर एक थप्पड़ मारना था और जब उन्होंने ऐसा किया तो यह इतना जोरदार था कि उनके चेहरे पर लकवा हो गया था और उनकी बाई आंख हमेशा के लिए डैमेज हो गई थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी मशहूर अदाकारा ललिता पवार जी के बारे में? अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।